नागरिक सुरक्षा के 98वें स्थापना दिवस के अवसर पर नागरिक सुरक्षा कोर के प्रभारी व अपर जिला अधिकारी नगर राकेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में सम्मान समारोह का आयोजन बख्शीपुर स्थित एक कॉलेज में किया गया। इस अवसर पर एडीएम सिटी आर के श्रीवास्तव ने लॉकडाउन के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिक सुरक्षा के वार्डनों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान सिविल डिफेंस के वार्डनों ने बहुत ही बेहतर कार्य किया था। लॉकडाउन में नागरिक सुरक्षा के वार्डनों ने फूड पैकेट, सूखा राशन व चौराहों पर मास्क लगाने की अपील और नागरिकों को सोशल डिस्टेंस का पालन करवाने का बहुत ही कुशलता से किया था, जिसको देखते हुए वार्डनों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नागरिक सुरक्षा के डिप्टी चीफ वार्डन डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव, स्टाफ अफसर रामकृष्ण मिश्रा, स्टाफ ऑफिसर व चीफ वार्डन संतोष कुमार श्रीवास्तव, सहायक उप नियंत्रक वेद प्रकाश, डिविजनल वार्डन अखिलेश कुमार ओझा, डिप्टी डिविजनल वार्डन ज्ञान प्रकाश तिवारी, विकास जालान सहित नागरिक सुरक्षा के अन्य वार्डन मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर नीज से बात करते हुए एडीएम सिटी तथा नागरिक सुरक्षा के प्रभारी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, अनेक अवसरों पर न सिर्फ हमारा सम्मान बढ़ाया, हमारा उत्साह वर्धन किया, बल्कि सेवा के लिए प्रेरित किया। आप सदैव हम वार्डन साथियों के साथ, जिससे कि हम सेवा के क्षेत्र में अपना योगदान दे सके। आज आपका हार्दिक स्वागत करते हुए हमें अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। मंच पर वार्डन महोदय, जिनकी प्रेरणा से, जिनके अंदर हमारे नगर टीम से विकास जालान, श्री विकास जालान को आज वार्डन नहीं सम्मान कर रहे हैं पैकेट वितरण कराने में और हम लोग का हाथ धुलाने में, जैसे 7000 सुखमा जी, ये इन्होंने सर 66 दिन तक मकेशनाथ पांडे जी का सर्टिफिकेट में चाहूंगा कि श्री ज्ञान प्रकाश शुरुआत हो। चलो आयुष लकोटिया, ये देखिए सर, ऐसा लगता है 500 खाना श्रीमति सुनीता शुरुआत इनके लिए जोरदार तालियां। एक्सीडेंट हो चुका था और पैर टूटते टूटते रह गया था इसी समाज सेवा, श्री विनय कुमार दुबे पीछे रुके रहिएगा, थैंक यू। कृपया सभी लोग डॉक्टर संजीव गुलाटी जी, ये प्रमाण पत्र सम्मानित हो रुकिएगा भाई, जो हमारे साथ हैं उन सबका मैं स्वागत करता हूं। मैं यहां आके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा अच्छी भावना से समाज की सेवा, जिसे कहा जाए परहित धर्म सरसाई भाई, दूसरों की सेवा ही जीवन का सबसे बड़ा सुख
सबसे बड़ा आनंद और सबसे बड़ा संतोष है। पैसा कमाना, अपनी फैमिली चलाना, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। सिविलाइज्ड सोसाइटी में अच्छे काम करना, जरूरतमंद को मदद करना, यही ह्यूमन बीइंग्स का प्रथम उद्देश्य है और यही ईश्वर की पूजा है। मंदिरों में घंटी बजाना और तरह तरह के यज्ञ कराना, वो आपको आनंद और संतोष नहीं दे सकते, मगर एक गरीब बच्चे को, एक गरीब परिवार को एक वक्त का भी खाना आप उपलब्ध कराकर उस आनंद का अनुभव कर सकते हैं जिसकी आप बड़े बड़े यज्ञ और बड़ी बड़ी रामायण पढ़ा कर भी नहीं कर सकते। आप सब साथियों ने पिछले वर्ष इलेक्शन में जो काम किया है उससे मुझे आपकी क्षमता का अंदाज लग गया था। इससे बढ़िया सिविल डिफेंस मेरे कैरियर में कहीं नहीं मिला। इतना अनुशासन प्रिय, इतना ज्यादा यूनाइटेड, जो हमारे नेशनल फैब्रिक को सोचित कर, मतलब सम्मिलित करता है और उसे प्रदर्शित करता है। हर जाति, हर संप्रदाय का व्यक्ति सिविल डिफेंस का सिपाही है। ये नेशनल फैब्रिक है हमारी कंट्री का और इस संगठन ने इस बात को शो किया है कि हम किसी जाति धर्म विशेष के नहीं हैं और यही हमारी सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट ऑफ इक्वालिटी। हमारा गोरखपुर संगठन उसका सबसे अच्छा उदाहरण है। हमारे प्रखंड में हर जाति समुदाय, हर धर्म के व्यक्ति को समान सम्मान दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसके लिए आपके सभी धर्म गुरु, आपके सभी गुरु प्रभावित हैं। द्रोणाचार्य है इस निजी मंच के लोग जिन्होंने आपको ऐसी शिक्षा और ऐसा संगठन प्रदान किया है। एक 14 साल की बच्ची भी अभी मुझे दिखाई दी है। ये देखिए कैसे उसके इनवाइट कर रहे हैं, कैसे उसके अंदर ये संस्कार जा रहे हैं जो हमारे बाद इस संगठन को मजबूत करेगी, संचालित करेगी, चीफ वार्डन बनेगी। वो 14 साल की उम्र से इस सोसाइटी की सेवा के लिए अपने साथियों के साथ संलग्न है, उनके साथ कंधा से कंधा मिला के आगे चल रही है। इसके बाद आपने देखा आर्टिकल 370 CAA, नागरिकता संशोधन अधिनियम, NRC, राम मंदिर का फैसला, आप जैसे सभी साथियों ने उसको बड़ी सफलतापूर्वक शांतिपूर्ण ढंग से गोरखपुर के सभी नागरिकों ने मतभेदों को दूर करते हुए बड़ी से बड़ी घटनाओं को टाल दिया। ये आपका डिटर्मिनेशन, सोसाइटी के लिए वर्क करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। बहुत से शहरों में तरह तरह की घटनाएं घटी हैं, वो किसी से नहीं छुपा, लेकिन सिविल डिफेंस ने इन सब अपनी मेहनत की, लगन की दर पे दिन रात एक करके ऐसी किसी भी घटना को गोरखपुर में नहीं होने दिया है। जिला प्रशासन की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज 6 दिसंबर को सिविल डिफेंस का स्थापना दिवस का संयोजन यहाँ पर किया गया है इस्लामिया इंटर कॉलेज में। इसमें हमारे चीफ वार्डन साहब गुलाटी जी, DC SP सिंह साहब और यहाँ के सभी वार्डन्स और सभी डिविजनल वार्डन्स यहाँ पर उपस्थित थे, जिनको उनके अच्छे कार्यों के प्रति आप सभी जानते हैं कि पिछले साल हमारा कोरोना जैसा एक महामारी और रेलवे स्टेशन पर श्रमिकों को रिसीव करना, उनको भोजन का वितरण करना, सभी जानवरों का ध्यान रखना, हर गाय, हर को
कुत्ते के लिए खाना उपलब्ध कराना, हर व्यक्ति के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए खाना उपलब्ध कराना अपने खुद के सोर्सों से, हमारे इन समाज के साथियों ने जिला प्रशासन का सर हमेशा हर परिस्थिति में ऊपर रखा है। आज इस कार्य के लिए इन सब लोगों को सम्मानित किया है। ये एक बहुत अच्छा विषय था जिस पर सब लोग को सम्मान प्रदर्शित करके उनकी उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए उनको भविष्य के लिए और ज़्यादा प्रेरणा देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सर, कुछ समाज सेवियों में जिन समाज सेवियों ने हमें आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मनोयोग से, जिस प्रकार से भी हम लोगों की सहयोग किया है, उन सबको सम्मानित हम लोगों ने किया है कि उनको भी पहचान मिले और हमारे समाज के और अच्छे लोग हमारी इस सभी परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर समाज की सेवा में योगदान करें। कितने इस समय कम से कम 147 लोगों को यहाँ पर प्रशस्ति पत्र दिया गया है। प्रशस्ति पत्र उनके कार्यों के हिसाब से बहुत छोटा है, उनका कार्य का संतोष उससे भी कहीं ज़्यादा है। और जिला प्रशासन के साथ कंधे से कंधा लगाकर हमारे सिविल डिफेंस के साथियों के द्वारा जी तोड़ मेहनत के साथ एक सराहनीय कार्य किया गया है और उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान हमारे सिविल डिफेंस गोरखपुर ने प्राप्त किया है।